तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों अभी हम आज मॉर्निंग की सुबह हो चुकी है, अभी फिलहाल जो है आज गुरु पूर्णिमा है, तो अभी हम नहा धो के जो अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए निकले हैं। अभी हम पहुंचे हैं शिव मंदिर, तो अभी भोले का जो अभिनंदन हो रहा है यहाँ पर जो है, और देख आप पीछे देख सकते हैं कि फिलहाल जो है भोले पीछे जो अभी विश्राम कर रहे हैं, और यहाँ पर मंदिर में सारी व्यवस्था चल रही है इसी चीज़ की लेके कि जो है भोले आ रहे हैं और अपना जल जो है यहाँ पे झुला कर अपना आराम से भंडारे की भी व्यवस्था है और रुकने की भी व्यवस्था है। दोस्तों पहले दोस्तों पूजा करते हैं, उसके बाद जो है फिर थोड़ी सी भोलों की वीडियो दिखाते हैं कि कैसे हम यहाँ पे करते हैं। अभी फिलहाल हम मंदिर जा रहे हैं, देख सकते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, माता जी हो यहाँ पहुँच चुकी है और जो भोले का जल अभिषेक कर रही है। करिए बोल शंकर भगवान की जय। ये देखिए दोस्तों, आज गुरु पूर्णिमा के दिन रविवार को जो है भोले का जो है जल अभिषेक करते हुए, और जो भोले में भी जो भगवान जी को जो फूल अर्पण करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करा। दोस्तों ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। देख सकते हैं दोस्तों फिलहाल जो है जल अभिषेक कर चुके हैं हम। फिलहाल मैं आपको सारी स्थिति दिखाता हूँ यहाँ की। ये देखिए दोस्तों, फिलहाल जो भोले यहाँ मंदिर में पहुँच चुके हैं और जो अपने द्वारा जो जल अपना झुला रहे हैं सारे लोग। जय भोले की, जय भोले की। ये देखिए दोस्तों, जो भोले जयकारा लगा रहे हैं भोले का, और ये सारी सुविधाएं चल रही हैं यहाँ पर मंदिर में, साफ़ सफाई। और जो ये देखिए, जब जो यहाँ पर भोलों के रुकने की व्यवस्था वगैरह, गुरु जी जो हैं यहाँ से अभी इनसे जानेंगे, गुरु जी से दो बात पूछेंगे। गुरु जी ने उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। जय भोले की। गुरु जी दो मिनट के लिए टाइम चाहिए था, मिल जाएगा? कुछ पूछना चाह रहा था वीडियो के माध्यम से आपसे, कुछ भी नॉर्मल बात करूँगा कि यहाँ क्या व्यवस्था चल रही है, आप लोगों ने क्या सुविधाएं करी भोलों के लिए। अच्छा एक बार खड़े हो जाइए भोले। जय भोले की। और गुरु जी ठीक हो? पहुँच चुके हैं, गुरु जी से बात करेंगे अभी फिलहाल। गुरु जी जो फिलहाल कावड़ियों की रोकने की व्यवस्था मंदिर में हो चुकी है जी, अभी उधर क्या व्यवस्था चल रही है जी, उधर खाने बनाने की? फिलहाल अमन हो चुका है जी भाई, गुरुजी ने जो है फिलहाल देखो भाई आप देख सकते हैं मन हो चुका है, और जो अभी ये खाने की व्यवस्था यहाँ स्टार्ट हो चुकी है। भोले का जो है भंडारा का जो खाना है वो तैयार होने लग रहा है। गुरुजी कुछ कहना चाहोगे भोले को, अपना संदेश देना चाहोगे कुछ, कैसी आस्था से जो जल ले काम हो, क्या मतलब आप मन में होनी चाहिए, कैसे जो जल को पूर्ण अपने मार्ग तक पहुँचाएं, किस आस्था के द्वारा चलें, क्या क्या सावधानी करनी चाहिए, कुछ बताओ अपने मार्ग से। थोड़ा तेज बोलो जी। सावधानी में तो नियम रहना चाहिए भाई। देखो गुरुजी ने कहा कि सावधानी में तो नियम रहना चाहिए, कैसा नियम रहना चाहिए कुछ बता दो जी बोलो। जैसे पवित्र धारा भाई, सुन लो भाई, गुरुजी बहुत ध्यान से कह रहे हैं इस बात को, बताइए। पवित्रता का ध्यान रखो, शांति के अनुसार जो जल लेकर हो, जो जिसके मन में जैसी भी आस्था हो उस आस्था के अनुसार जो हरिद्वार से जल उठा कर जहाँ भी जा रहा हो, गाँव हो या फिर पूरा महादेव, जहाँ जिसकी जैसी आस्था है उसी के हिसाब से चले। तो बोले अलवर राजस्थान से। तो कौन सी स्टेट में आ गए थे यहाँ? गौमुख से आ रहे हैं। गौमुख से आ रहे, कौन सी डेट में पहुँच गए थे गौमुख? 7 तारीख को। तो पैदल ही आ रहे हैं वहाँ से, और कितने लोग की टीम हो? 14 लोगों की टीम हो। बहुत बढ़िया भाई, सारे यहीं हो हैं, कहाँ बैठे? एक बार छोटी सी वीडियो बनाऊँ फिर आपकी, आ जाओ। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ये देखिए दोस्तों, फिलहाल जो भोले गौमुख से जो जल लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं, इतनी लंबी यात्रा जो करने के बाद। और अलवर राजस्थान तक ही जाओगे ऐसी हैं? तो 2 तारीख तक पहुंच जाओगे हैं भाई। ये देख लो, 7 तारीख से जो है गौमुख से चले थे भोले, और अलवर राजस्थान 2 तारीख में जल चढ़ावेंगे। भोलों की आस्था और भोलों का प्रेम देखो भाई, कितने बड़े लेवल का है, हैं जी? बहुत बढ़िया भाई, देख सकते हैं ये सारे भोले साथ के हैं, और जो है अलवर राजस्थान से ही आए हैं और गौमुख से जल उठाया इन्होंने 7 तारीख में। अच्छा कितना मतलब नॉर्मली वैसे ही जल लेकर आए होंगे, पिट्ठू वाला जल? हाँ मतलब बोतल वाला। अच्छा जी, अच्छा 2-3 भोले आगे चले गए, बहुत बढ़िया। अच्छा कंधे वहाँ लंबा सफर हो जाएगा? हाँ रास्ते थोड़े वैसे हैं भाई, पिट हैं जी। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई, देख सकते हैं अलवर से लेके जो ये गौमुख से जल उठा कर अलवर तक जाएंगे 7 तारीख में। तो कितने किलोमीटर पर डे चल रहे भोले? 30-40 किलोमीटर पर डे। बहुत बढ़िया भाई, हाथ तो पैरों में दर्द की कोई शिकायत कुछ ऐसी चीज ऐसा इतना लंबा है जी? कुछ नहीं होता भोले बाबा, भाई भोले बाबा के आशीर्वाद से कुछ नहीं होता भाई, यूँ कह रहे हैं। एक बात तो बताओ भोले, इतना लंबा से जल लाने की क्या सोची, कितने किलोमीटर बैठ रहा गौमुख से जो अलवर राजस्थान? 1000 किलोमीटर।
और कितने दिन में कवर कर दोगे जी 1000 किलोमीटर? 27 दिन लगते हैं। 7 तारीख में अगर उठा लिया था तो 2 तारीख तक पहुंच जाओगे पक्का भाई? ये देखियो 1000 है जी, 1 तारीख में बोले जो है ये कह रहे हैं कि वहाँ पहुँच जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह देखिए, 1000 किलोमीटर पैदल चलना गौमुख से यहाँ तक और पहाड़ के रास्ते से जो भोले फिलहाल जो है NH-58 के मंगलोर विधानसभा के अंतर्गत ये गांव आता है, गांव लिभरडी उत्तराखंड का सबसे बड़ा गांव है। अभी फिलहाल जो है मंदिर में जो है भोले रुके हुए हैं, विश्राम कर रहे हैं। तो भोले यहाँ किस टाइम पहुँच गए थे? अभी पहुँचे। तो हरिद्वार गंगा स्नान करके आए नहीं है? गौमुख से आने के बाद फिर गंगा स्नान करा हरिद्वार में? गौमुख से नीलकंठ पैदल चढ़ाया, फिर हरिद्वार आए, हरिद्वार से फिर अभी यहाँ पहुँचे हो। बहुत बढ़िया भाई, भाई भोले बहुत हिम्मत मार दी भाई तुमने। तो यहाँ किस टाइम पहुँच गए थे, रात या अभी आए? 9 बजे भाई भोले कह रहे हैं 9 बजे। अब किस टाइम तक आराम करोगे भोले यहाँ? घंटे डेढ़ घंटे, फिर उसके बाद फिर चल दोगे? बहुत भाई, तो फिलहाल तो इतना। रात में कितने चले, रात में कितना चले? सुबह 4 बजे से 9 बजे तक चले कंटिन्यू, तो करीबन 20 किलोमीटर की लगभग चल गए होंगे। 20 किलोमीटर भाई बहुत बढ़िया भाई। कल 25-26 चले थे। तो जो मन में ऐसी क्या इच्छा आई जो इतना लंबा लड़ने की सोची जी? मतलब भोला सपने में भी आया नहीं कोई से के? है बस ठीक, भोला ही बुलाता है। बहुत बढ़िया, वीडियो के माध्यम से कुछ बताना चाहोगे भोले के बारे में? क्या एक्सपीरियंस लिया गौमुख से इतना लंबा आप 1000 किलोमीटर जो चल कर आए, ऐसा क्या मन में आया कि इतना लंबा जा रहे हैं? दूसरों को क्या कहना चाहोगे कि जो इतने लंबे सफर में कैसे कैसे स्ट्रगल करा तुम लोगों ने? अच्छा भाई, ये कहना चाह रहे हैं जो हरिद्वार से कावड़ लाते हैं वो भी एक बार जो है गौमुख से जल जरूर लाएं, उससे जो पता चलता है कि शांति क्या चीज़ है। है जी, बहुत बढ़िया बात है भाई। और कुछ कैसी सुविधाएं मिली कुछ रास्ते में, वहाँ कुछ मिला है या मतलब प्रशासन ने कुछ साथ दिया नहीं दिया? प्रशासन तो भाई देखो बताओ बड़े, वहाँ मतलब गौमुख से लेके यहाँ तक कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं मिली? यूपी का प्रशासन अच्छा है। यूपी का देखिए भाई, फिलहाल जो है ये भाई बोल रहे हैं यूपी का प्रशासन बहुत बढ़िया है और उत्तराखंड के प्रशासन की हर जगह से शिकायत आ रही है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? वीडियो के माध्यम से सबको कहना चाहूँगा, सरकार से अपील करूँगा कि भाई भोले जो हैं परेशान हो रहे हैं और यूपी के प्रशासन से खुश हों और उत्तराखंड के प्रशासन से कोई भी खुश नहीं, ऐसा क्यों? खाने वगैरह में कैसी सुविधा रही आप लोगों की वहाँ? बढ़िया रही, कोई दिक्कत नहीं आई? मतलब कोई चोरी चकारी कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं हुई है? उधर नहीं होती? बहुत बढ़िया भाई। और जो है अच्छा, बहुत बढ़िया भाई। भाई भाई बता रहे हैं कि वहाँ पर कोई भी चोरी वगैरह नहीं हुई है, बहुत बढ़िया। तो फिलहाल 1.5 घंटा आराम करके फिर निकलोगे? बहुत। तो यहाँ आज का टारगेट पुरका जी के आसपास होगा? छपार। छपार, अच्छा, तो हाँ 30 किलोमीटर चल जाओगे आज? बहुत बढ़िया जी, बहुत। दिल्ली के द्वारा जाओगे कहीं और के जी? दिल्ली होते हुए तो लंबा प्रोसीजर है अभी तो। बहुत बढ़िया भाई, अच्छा 4th दिन दिल्ली पहुंच जाओगे, बहुत बढ़िया। तो 14 लोगों की टीम है आप लोगों की? और बढ़ और अरे हमारे गांव के हरिद्वार भी आए हैं 35-40। अच्छा, गांव के 35-40 हरिद्वार से जल उठाएंगे जो अलवर जाएंगे, लेकिन आप लोग 14 जने जो हैं वहां से चल गए गौमुख से लेकर सीधा लो? बहुत बढ़िया भाई, देख सकते हैं भोले जो है इतनी कठिन परिश्रम करके जो है गौमुख से अलवर तक जो आ रहे हैं, फिलहाल आराम कर रहे हैं भोले। बहुत बढ़िया बात है भाई, इन्होंने कहा कि मन में श्रद्धा होनी चाहिए, आस्था भाव से चले, कोई भी मतलब है जी दिक्कत नहीं आने की। सबसे बड़ी बात शांति प्रियक जो मनों का जो शांत करके जो जल चढ़ावा जो आस्था के द्वारा लगता भी है जल, और दूसरों की सबसे बड़ी बात मदद करो भाई। सबसे बढ़िया बात है कि दूसरों की भोले मदद करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा भाई। आप कुछ कहना चाहेंगे भाई भोले? आप कहाँ से आए भोले? अच्छा, लेंटर घोड़ाना है तो भोलों के लिए पहले क्यों नहीं घोड़ा, पहले क्यों नहीं घोड़ा? है ठेकेदार तुम ही यहाँ के? और तो ये अगर पहले गिर जाता तो कम से कम यहाँ भोले तो बैठते हैं भाई। भाई ये तो बताओ, अगर तुम उधर लेंटर जल्दी गेर देते तो आज वो भोले की रुकने की व्यवस्था उधर ही बन जाती है। आज ही बुलाया? किसने बुलाया आज? गुरु जी ने? तो गुरु जी ने तो बहुत दिन से मिस्त्री लगा रखे हैं, हम रोज देख रहे हैं आज तो। फिर अब तो कवर के बाद ही खुलेगा तो फिर भाई, तो सारा मामला खराब हो जाएगा भाई। आप भोले कहाँ से आए? अलवर से ही आए? अच्छा, साथ हैं? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अरे ठीक है, तो भोलो भाई आराम करो भाई, वीडियो अच्छी लगे तो करना और भाई चैनल को सब्सक्राइब करना भाई। भोलो ने कह दिया है भाई, भाई भोलो ने कह दिया है कि फुल सपोर्ट। बहुत बढ़िया भाई, भाई एक बार जाकर लगा दो भाई सारे।
बोल शंकर भगवान की जय।